माँ अरे सी बेटा क्यों रो रहे हो? तू अस्पताल से कब आई माँ? तू ठीक तो है ना? हाँ। देख तो किसी ने मुझे खबर तक नहीं भेजा। खुद का बड़ा भाई अगर मुझे खबर नहीं भेजेगा तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि तू बीमार है? हाँ माँ पानी। हाँ दो। अरे बेटा मैंने ही तेरे बड़े भैया को मना किया था कि तुझे कुछ ना बताए। तुझे गुवाहाटी से क्यों इतना कष्ट करके यहाँ आने की ज़रूरत है? बेटा मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ ना कुछ बीमारी इस उम्र में होता ही रहता है। हाँ शिव, तुम्हारे भैया तुम्हें खबर देने ही वाले थे पर माँ ने ही मना कर दिया, इसलिए इन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और दो दिन से माँ की तबीयत में काफ़ी सुधार है। माँ को अस्पताल लेकर गए थे ना? हाँ, 8 दिन तक वही थे। बुखार था, कपकपी थी और उल्टियाँ कर करके तो माँ बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। 10-12 ग्लूकोज के बोतल चढ़ाने के बाद ही परसों से माँ थोड़ा उठ पा रही है। भाभी वो बैग से गमछा निकाले दो। लो आज आप काम पर नहीं गई? नहीं, मैं चली जाऊंगी तो माँ को कौन देखेगा। एक काम करो, तुम जाकर नहा लो, मैं खाना बना लेती हूँ। भाभी हाँ, दामू स्कूल गया है क्या? नहीं, उसका स्कूल बंद है, वो गर्मी की छुट्टी चल रही है ना,
तुम्हारे बारे में पूछ पूछ के तो वो तो हमारा सर खाता रहता है। अच्छा? और पता है, जब तुम्हारे भैया उसे गुस्सा करते हैं तो तुम्हारा नाम लेके उनको डराता रहता है। शायद यही कहीं खेल रहा होगा। 2 साल हो गया उसको नहीं देखा। रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। दामू, ए दामू। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामू, चलो तो देखो घर में कौन आया है। चलो चलो जल्दी घर चलो। दामू देखो तो कौन आया है। अरे दामू, क्या हुआ, पहचाना नहीं तुमने? तुम जो कहते रहते हो शिव चाचा शिव चाचा, यही तो है शिव चाचा। दामू, अरे कितना बुरा हो गया रे तू। पहचाना नहीं, ये देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। ले लो। अरे ले। अच्छा चल, दोनों फुटबॉल खेलते हैं, कौन पहले गोल करता है, ठीक है? आ जा। ये ले 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 मार। अरे शिव, तू कब आया? क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? हरियाणा लेके जा रहा हूँ। लेकिन आपने तो हमें
गुवाहाटी ले जाऊंगा बोला था। चुप कर बुड़बक। गुवाहाटी हरियाणा पास ही तो है, आजकल हर जगह सब एक जैसा ही है। तुम लोग गवारों को क्या पता। तुम लोगों को काम चाहिए ना, ठीक है मैं बढ़िया से काम में लगा दूंगा, कसम से। दरोगा साहब थोड़ा इधर आइए तो। क्यों कहाँ जाना है? जो बोलना है यही बोल। ये क्या बोलेगा? जो बोलना है मैं बोलूंगा। ये एक दलाल है जो मानव तस्करी करता है। सीप हमारे बगीचे के ना जाने कितने पिछड़े इलाकों से ना जाने कितनी लड़कियों और औरतों को नौकरी का झांसा देकर पता नहीं कहां लेकर गया, भगवान ही जाने। साहब इसको तुरंत ही गिरफ्तार करके पूछताछ कीजिए, सच सामने आ जाएगा। दारोगा साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया, पूछिए इन लोगों को पूछिए। मैं इन लोगों का माँ बाप से पूछ के एडवांस दे के गाड़ी का भाड़ा खाना का खर्चा दे के गुवाहाटी ले जा रहा हूँ, वहां जाके काम पे लगा दूंगा। मैं तो इन लोगों का मदद ही कर रहा हूँ। और इस बगीचे में क्या है बोलो तो? ना काम ना कमाई, शहर जाएंगे तो अच्छे घर में नौकरानी बनकर रहेंगे, तो खाना पीना रहना कपड़ा सब कुछ फ्री, और साथ ही हर महीने का मजदूरी अलग से, घर में बैठकर टीवी देखना, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना। एकदम सच कसम से, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? नौकरानी? लेकिन आपने तो बोला था हमें ऑफिस या बड़े दुकान में नौकरी लगा देंगे और हर महीना 10,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा। देखा देखा दरोगा साहब इस बदमाश का झांसा। अरे ओ बुड़बक, तुम लोग कितने पढ़े लिखे हो जो तुम्हें इतने बड़े बड़े नौकरी मिलेगी है? अरे कहीं नौकरानी की नौकरी मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। साहब इन बुड़बक गवारों की बात में मत आइए, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। आजकल के दुनिया में कोई अच्छे काम करने जाए तो हमेशा हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं। चल चल तुम लोगों को घर छोड़ कहता हूँ, चल चल चल। हम तो घर ही जाएंगे, लेकिन तू जाएगा सरकारी ससुराल। हा? और सुन, बुड़बक हम नहीं, बुड़बक तो तू है। हमने तुझे पकड़वाने के लिए ही बुड़बक होने का नाटक किया था। हम 12वीं कक्षा की छात्रा है और शिव भैया के छात्र संगठन के सदस्य है। तेरे खिलाफ इस साकू माथा बगीचा के बहुत सारे लड़कियां और महिलाओं को काम के बहाने बाहर ले जाकर बेचने का बात सुना है। अरे तुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही शिव भाई ने परिकल्पना किया था। दूसरों के खून चूसने वाले कीड़े, तुम लोग नरक में जाओगे। दारोगा साहब इसको ले जाइए और पूछताछ कीजिए। और यहाँ के जितने भी महिला युवती को लेके गए थे उन सभी लोगों को वापस लाने के प्रयास कीजिए। तुम लोगों को चल 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 करूंगा ना, देख लूंगा सब सच को, नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा। चल आज सब पुलिस को पता है ना, कल तुम लोग को देख लूंगा सबको, मार डालूंगा एक एक को मैं। चल चल बड़ा आया था अब नौकरी देने, हमें बुड़बक समझा था। चलो इस धुरंधर को पकड़ने में आखिर में हम सफल। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये सब फालतू कामों में क्यों लगा हुआ है और ये पुलिस चोर के चक्कर में क्यों घुस गया है? अरे नहीं भैया,
हाँ, हमारे संगठन के लड़का लड़कियों की मदद से वो काबा नाम का बदमाश को पकड़ने में हम लोग सफल हुए हैं। और भैया चुप कर, तुम लोगों के साथ ही रहकर इसका दिमाग खराब हो गया है। पिताजी मर गया, घर में फिर भी इतना कष्ट उठा के मैंने तुझको बीए पास करवाया। अरे तू तो गुवाहाटी जाके वकील का डिग्री लेने वाला है ना, ये सोच के मैंने खेत का आधी जमीन बेच दिया और पैसा इकट्ठा किया। अरे तू क्यों फालतू के चक्कर में घूम रहा है, जा तू आज ही गुवाहाटी चला जा और पढ़ लिख के वकील बन, इस बगीचे का लोगों का समस्या कभी दूर नहीं होगा। तू अपना भविष्य देख, और जब तक तू वकील नहीं बनेगा तब तक तू घर वापस मत आना, तुझे माँ की कसम। भैया माँ इतनी बीमार है, अगर राखी ने खबर नहीं दिया होता तो। वो सिर्फ तेरी माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है, और माँ का सुख दुख का साथी मैं भी बनना चाहता हूँ, और तू मुझे उससे वंचित नहीं कर सकता है। 2 साल हो गया माँ को नहीं देखा, तुम लोगों को नहीं देखा, तू 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 इतना कठोर कैसे हो सकता है। अरे छोटू, तू अपने भाई के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो तो कब का तुझे खबर देने वाला था, पर मैंने ही मना किया ताकि तेरे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए और तू बड़ा आदमी बन जाए। यही भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए तेरे भाई ने कितना कष्ट झेल रहा है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अच्छा चलो, अच्छा तुझे माँ की खा खबर लेना हो गया ना, हाँ बस तू कल सुबह की ट्रेन पकड़कर गुवाहाटी चला जाना, पढ़ाई में ध्यान दे। नहीं भैया, मेरा सेकंड ईयर का परीक्षा भी खत्म हो गया और 1 महीने का बंद भी है, तो मैं कुछ दिन यही रुकूंगा। अच्छा है ना माँ, लेकिन तू आते ही ये गंदे कामों में क्यों लग गया है। अरे गंदा काम? हाँ कहाँ भैया, घर के आंगन और सारे रूम का सफाई तो कर रहा हूँ। उधर देख रहे हो ना, यहाँ वहाँ पानी जमा हो गया है और मच्छर और मक्खियाँ अपना अंदर रहते हैं वहीं पर, और मच्छर अपना वंश भी वृद्धि करते हैं। ऐसे ही किसी मलेरिया की मच्छर ने माँ को काटा होगा, इसीलिए माँ को मलेरिया हुआ है। हाँ हो भी सकता है, मेरे ही गलती थी कि घर के चारों ओर साफ नहीं रखा। रुक मैं भी तेरे साथ हाथ बटाता हूं। नहीं भाई नहीं नहीं, तू खाना खा ले, मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है। और भैया माँ तो अभी भी सोने के समय मच्छरदानी नहीं लगाती होगी। मच्छरदानी? अरे क्या बताऊं, नहीं सिर्फ कितना बोला इनको, रात में मच्छरदानी बांध के देता हूँ और सुबह देखो तो खोल के सोई रहती है और कहती है गर्मी ज्यादा है नींद नहीं आती है। अरे बाबा, मलेरिया बुखार होने के बाद से मच्छरदानी लगा के ही सोती हूँ। अब थोड़ा सुधरी है, इस बार शिक्षा मिल गई, पर क्या करें, हम भी पुराने जमाने के लोग हैं, पहले ये सब कहाँ होता था, पर इस बुखार में दवा और सुई से ही मेरी हालत खराब हो गई है। मैं और कभी भी बिना मच्छरदानी के मैं सोऊंगी नहीं। सिर्फ रात को ही नहीं, दिन में भी अगर हम सोते हैं तो मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, तब मलेरिया डेंगू चिकुनगुनिया जैसे कोई प्रकार की संक्रामक बुखार से हम बच सकते हैं। अच्छा बाप रे, मच्छर के काटने से इतनी प्रकार की बुखार होता है लोगों को, ये बात आज ही मालूम हुआ। अरे सुनते हो? जी क्या हुआ? सिप क्या बोल रहा है पता है? हाँ हाँ, इसने मुझे सब समझा दिया है।
अरे शिव, तुम जो वो दवा लाके कुछ मच्छरदानी में लगाने की बात की थी ना? हाँ भाभी। भैया तू मुझे अपना साइकिल देना, मैं आज ही सरकारी अस्पताल जाके वो दवा लेके आऊंगा और उसी दवा को घर की हर एक मच्छरदानी में लगाना होगा ताकि हमारे घर में फिर से मच्छर की वजह से कोई संक्रामक बुखार ना हो। राखी, शिव, तुम दोनों एक काम करो, कहीं से जाके थोड़ा सा जहर लाके मुझे और मेरी बेटी को दे दो, नहीं तो ये हमारा खून बेच के खा जाएगा। मैंने महसूस की है कि हमारे बगीचे के मेहनती लोग हफ्ते महीने में थोड़ा बहुत तो कमाता ही है, लेकिन सटीक रूप से संचय नहीं करने की वजह से कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे का सही देखभाल नहीं हो पाता है। हाँ, आपने सही बोला। पता है हमारे बगीचे का सभी लोगों का बैंक है वो ठगबाज महाजन की दुकान। महाजन कितना जमा रखता है, कितना सूद काटता है, कितना लौटाता है, इसका कोई लेखा जोखा ही नहीं।